तो जी होता क्या है, मंगलवार को हमारे यहाँ अंडा नहीं खाया जाता, और बच्चों का क्या है ना, उसी दिन उनको वो चीज़ खानी है जो चीज़ नहीं बन सकती। तो हमने सोचा इसका कुछ सलूशन निकाला जाए, इससे पहले कि बच्चे वीडियो देखें और उनको पता लगे कि उनको ऑमलेट के नाम पर क्या खिलाया गया है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यम करीज पर। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट बिना अंडे का। जी तो आइए शुरू करते हैं जायके का सफर यम करीज पर। ये हमारा स्पेशल ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन। ये हमने 2 कप बेसन लिया है। 2 कप बेसन में मिला देंगे मैदा, 1 कप, मतलब जितना आपने बेसन लिया है उसका आधा मैदा। उसको हल्का हल्का घोल लेते हैं। तो जी जैसे कि अंडे में 2 चीज़ें होती हैं, आपने देखा एक वाइट उसका प्रोटीन और एक येलो, तो ये 2 चीज़ें तो हमारी हो गई। लेकिन अभी इसमें अंडे जैसी रज़ाइत और वैसा स्वाद, वैसा स्ट्रेच वो अभी नहीं आया, तो उसके लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं जी नमक स्वाद अनुसार। बाकी सब कुछ आपने वैसे ही डालना है जैसा आप ऑमलेट में डालते हैं, और इसका एक बैटर बनाना है। और डाल देंगे जी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे जी चीनी, ये मैंने 1/4 टीस्पून चीनी ली है। इससे क्या होगा ना जी, हमारा ऑमलेट जो है बहुत क्रिस्पी बनेगा। इसको हल्का हल्का घोल लिया जी। अब क्या करेंगे, पानी डाल के हल्का हल्का इसका बैटर बनाते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और घुमाते जाइए, आपको मालूम ही है, ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। ये देखिए जी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, पर हमको ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे साथ साथ। ये देखिए जी, जो अंडे का वाइट पोर्शन है एल्बुमिन, जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें बाइंडिंग आ जाती है, और जो उसका येलो पार्ट होता है, योक जो होता है उसका, उससे क्या होता है जी, अंडे में रिचनेस आती है, उसमें रवैयत आती है। तो इसमें क्या है, अभी हमारा वाइट और ये मिक्स हो गया, लेकिन इसको और रिच बनाने के लिए इसमें डाल देंगे जी 1/2 कप ऑफ मिल्क। ये डाला जी हमने, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये वाइट वाला पोर्शन जो है हमारा प्रोटीन वाला पार्ट, ये समझिए वो हो गया। अब इसमें येलो की जो कमी है वो भी पूरी करनी है, तो वो कैसे करेंगे जी, वो हम इसमें डालेंगे बटर। जी हाँ, ये डालेंगे जी बटर 2 टीस्पून। अब इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमको चाहिए थी, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसमें आपको बिल्कुल वो ऑमलेट वाला फील आएगा। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़िए। जी हमारे बैटर ने रेस्ट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल तैयार है अभी ये। अब इसको डायरेक्ट पैन पर डालने का टाइम आ गया है। उससे पहले हमने थोड़ी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। आइए, जैसे कि ऑमलेट में हम बनाते हैं बिल्कुल मिक्स वेज ऑमलेट वैसा ही, सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसको पैन को गर्म कर लेते हैं जी। जनरली लोग क्या करते हैं जी, जितनी भी ये वेजिटेबल्स हैं इनको सीधा अपने बैटर में डायरेक्ट डाल के और उसको पैन पर डाल लेते हैं, और उससे क्या होता है, सब्जियों का स्वाद नहीं आता, थोड़ी कच्ची कच्ची सी रह जाती हैं। हम क्या करेंगे जी, थोड़ा सा डाला है बटर, बिल्कुल ऑमलेट की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको, तभी वैसा बनेगा। और डाल देंगे जी ऑयल 1 टीस्पून, और इसमें डाल लेंगे जी अपनी वेजिटेबल्स, जो भी आप डालना चाहें, प्याज, जैसे हमको प्याज डाला है यहाँ पे, टमाटर, कैप्सिकम, अदरक, थोड़ी सी मैं डाल रहा हूँ ग्रीन चिली, और इनको सॉटे कर लेंगे। इनको पकाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 30 सेकंड के लिए इनको सॉटे कर लेंगे जी, बस दैट्स इट। ये देखिए जी इस तरह से, और डाल देंगे थोड़ा सा धनिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब डाल देंगे इस पर अपना बैटर इस तरह से, और इसको फैला लेंगे जी चारों तरफ। अब जी इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देंगे जी, ये ऑप्शनल है। तो अब क्या हुआ ना जी, हमने इसमें वाइट
जो हमारा अंडे का प्रोटीन है, जो अंडे की बाइंडिंग है उसकी भी कमी पूरी कर दी। येलो जो हमारा योक होता है जिसमें रिचनेस होती है, जिसमें फैट होता है, वो भी हमने इसमें पूरा कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल जो टेस्ट करेगा ऑमलेट जैसा ही टेस्ट करेगा। ये हो गया जी हमारा मिक्स वेज चीज ऑमलेट। धीरे धीरे जैसे पकने लगेगा, देखिए बीच में से कैसे फूल रहा है, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है इसमें, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें। और देखिए कलर्स कितने बढ़िया हैं, सब्जियां भी आ गई, प्रोटीन भी आ गया, फाइबर भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें हेल्दी। बट क्या है, थोड़ा साइड से भी नाजुक है, इसको पलटेंगे तो टूटने का खतरा आएगा। थोड़ा और पकने देते हैं। बात मान रहा है आपकी, लेकिन अभी भी टूटने का खतरा बरकरार है जी। थोड़ा पलटते हैं इसको। ये देखिए जी, अब जी अगर आप ये ऑमलेट बना रहे होते तो आप इसको स्टेज पे भी छोड़ सकते हैं कि वो अपनी गर्मी में खुद पक जाएगा, बट क्योंकि ये तो हम बिना अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं तो उसको दोनों तरफ से सेक लेंगे जी। ये देखो जी, और ये हमारा ऑमलेट भी तैयार है। इसको निकाल के अब प्लेट कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। इसको हमने यहाँ पे सर्व कर लिया। अब हम इसको आपको ब्रेड के साथ भी लगा के दिखाते हैं। अजीब, इतना लाजवाब लग रहा है और ऐसी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। कैसा लग रहा है जी, एकदम लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।